मिर्जापुर जाता था ना, तब वहाँ पे विंध्याचल माई के दर्शन जरूर कर लिया। पहले गाय खरीदे के तोरा के 2000 रुपया देले रहनी, ब्याज दिहल तू ओकर मूलधन भी तो अब तक ना चुका पौले, और फिर कर्जा मांगे आज। माँ विंध्यवासिनी के कृपा से ओकर बहुत बड़हन घर में बिया हुई। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप होला जानकी, अब हम कैसे कर पाए तहार बिया। हमार बिया की वजह से अगर राउर अपमान होता तो हम ही बिया ना करे। माँ विंध्यवासिनी सबके सुने ली, हमनियों के सुने। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अंजना सिंह की धमाकेदार धार्मिक मूवी जय माँ विंध्यवासिनी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। फिल्म पारिवारिक और धार्मिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। जी हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी हमारे सामाजिक परिवेश में माँ विंध्यवासिनी से जुड़ी आस्था पर आधारित है। जहाँ तक फिल्म की कहानी की बात करें तो यह एक गरीब लड़की से शुरू होती है जो माँ विंध्यवासिनी में आस्था रखती है और उनके लिए व्रत रखती है। इस किरदार को फिल्म में अंजना सिंह निभा रही हैं, जबकि अमरीश सिंह एक अमीर परिवार के बेटे के किरदार में नजर आने वाले हैं। जब अमरीश सिंह माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाते हैं तो वो वहाँ पर अंजना सिंह को देखकर मोहित हो जाते हैं और मन ही मन प्यार कर बैठते हैं। फिर अंजना सिंह से शादी हो जाती है उनकी। इसके बाद शुरू होता है फिल्म में ड्रामा और माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार। आगे जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म में संगीत भी एक से बढ़कर एक जो आपको माँ विंध्यवासिनी की भक्ति से ओतप्रोत कर देंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।